हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बाजार जैसी एकदम पाव भाजी बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, यह है बॉइल्ड मैश पोटैटो है, और ये गोभी है, फूल गोभी, मटर, ये सब मैंने बॉईल कर लिया है। और ये शिमला मिर्च है, ये मैंने छोटा छोटा काटा है। ये प्याज है, ये दो प्याज हैं बड़े साइज के, मैंने छोटे काटे हैं। ये तीन टमाटर हैं, ये भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया है मैंने काट लिए धो के, और ये बटर है, ये थोड़ा सा तेल भी लगेगा, और ये नमक, ये पाव भाजी मसाला है, ये मैंने घर ही में बनाया है। इसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगी, अभी तो डाली नहीं है। और ये कश्मीरी मिर्च है, और ये पाव है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं पाव भाजी। सबसे पहले हम जो है कढ़ाई या पैन कुछ भी चढ़ा देंगे गैस पे। गैस ऑन कर दिया मैंने, और ये थोड़ा सा बटर डालेंगे, थोड़ा सा बटर डाला। फिर उसके बाद ये हम शिमला मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। सारी सब्जियां तो बॉइल्ड है, केवल ये शिमला मिर्च पका हुआ नहीं है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, और उसके बाद हम सारी सब्जियां डालेंगे। अब ये शिमला मिर्च में से मॉइस्चर जो था वो सब खत्म हो गया, अब ये पक गया है। अब हम इसको डाल देंगे, ये आलू, गोभी और मटर, ये सारी चीजों को डाल दिया, और इसी के साथ हम टमाटर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे, और मैशर की सहायता से इसको ऐसे मैश करते जाएंगे। इसमें हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे एक चम्मच पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा नमक, एक चम्मच करीब नमक डाल दिया। इससे जो है टमाटर और सारी सब्जियां जल्दी से गल जाएंगी। और थोड़ी सी धनिया डाल दे रहे हैं, और इसको हमको अच्छे से ऐसे ऐसे करके मैश करते रहना। सबसे ज्यादा मेहनत तो इसमें मैश करने में ही लगती है, और उसी से ही अच्छा स्वाद भी आता है। तो इसको हमको अच्छे से मैश करते रहना है, और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे, उससे थोड़ा सा अच्छा सा कलर भी आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा मैश हो गया, एकदम फाइन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, और फिर इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल वैसे जो है तेल बहुत कम ही पड़ता है, या तो पड़ते ही नहीं है, तो हम थोड़ा तेल डाल देते हैं, और बटर बाकी डाल देंगे। और इसको गर्म करके फिर छौंकेंगे। बटर गर्म हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, बिल्कुल जरा सा। और फिर उसके बाद ये प्याज भी डाल देंगे सारा, इसको सौते कर लेंगे। इसी के साथ में हम पाव भाजी मसाला जो है थोड़ा सा और डालेंगे, एक चम्मच करीब, उसमें भी डाला था, इसमें भी फिर से डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक का ध्यान रखना है, उसमें भी डाला था और बटर में भी नमक रहता है, तो हम बहुत ज्यादा नमक नहीं डालेंगे, अंदाज से डालेंगे। और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, और ये जो हमने मसाला निकाला था ये डाल देंगे, इसको मैश कर लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे, नहीं तो ये मसाला जो है सब जल जाएगा। और इसको हम फिर मैशर के सहायता से इसको मैश करते रहेंगे। तो हम इसमें पानी डाल देंगे,
जैसा आपको थोड़ा पतला करना हो या जितना गाढ़ा करना हो उस हिसाब से आप पानी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मैश करते रहेंगे। अभी भी मैश जो है हम जब पानी डालेंगे उसके पहले ही हमको मैश कर लेना है, नहीं तो पानी डालने के बाद अच्छे से फिर मैश नहीं होता है। तो पानी डालने के पहले ही हमको अच्छे से मैश कर लेना है। और एक नींबू का रस डाल देंगे इसमें। पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे पका लेंगे, उबाल दे देंगे थोड़ा और चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे जल जाएगा। ये पक गया है, अब हम इसको हटा के एक पैन चढ़ा देंगे। ये मैंने पैन चढ़ा लिया और इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। पहले बटर गर्म हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। और ये जो है बन को ऐसे आधा आधा करके और इसको ऐसे सेंक लेंगे दोनों साइड से। थोड़ा सा और बटर ऊपर से डाल देंगे, ऐसे इसको ऐसे सेंक लेंगे। ये देखिए पाव भाजी मैंने बना के तैयार कर ली, अब हम इसको सर्व करेंगे। इसमें ऊपर से बटर डाल देंगे, बटर से ही इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये देखिए बनकर तैयार है, आप भी इसे ट्राई करिए। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।